हेलो देसी सुपर हीरो फैंस, स्वागत है आप लोगों का एक बहुत ही कमाल की मिनी वीडियो में। तो आज कोरा पर स्क्रॉल करते करते कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी से रिलेटेड मेरे सामने एक फैक्ट आया, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर दूं। तो चलो पहले ये 8 सेकंड्स का इंट्रो रोल कर लेते हैं। तो जैसे एमसीयू ने सिविल वॉर मूवी में ब्लैक पैंथर और स्पाइडरमैन को ऑफिशियली इंट्रोड्यूस किया था, वैसे ही हमें मूवी में एक और सुपर हीरो कैप्टन ब्रिटेन का कैमियो देखने को मिलने वाला था। कैप्टन ब्रिटेन और कोई नहीं बल्कि कैप्टन अमेरिका की जैसी पावर्स वाला ही कैरेक्टर है, बस जो कि उड़ भी सकता है। कैप्टन ब्रिटेन के रोल के लिए एक्टर जेसन स्टेथम को भी अप्रोच किया गया था, बट उन्होंने ये रोल रिजेक्ट कर दिया और डायरेक्टर से कहा कि आपको मुझसे कोई 15 साल यंग एक्टर कास्ट करना चाहिए, क्योंकि वैसे भी उस टाइम पर वो 47 इयर्स के हो चुके थे। तो अल्टीमेटली डायरेक्टर्स को ये आइडिया स्क्रैप करना पड़ा और स्पाइडरमैन और ब्लैक पैंथर से ही अपना काम चलाया। वैसे देखा जाए तो कैप्टन ब्रिटेन के बिना भी ये मूवी बहुत ही बढ़िया बनी हुई थी। और र्यूमर्स तो बहुत सारे ऐसे भी चल रहे हैं कि सुपरमैन को प्ले करने वाले एक्टर हेनरी कैविल कैप्टन ब्रिटेन के रोल को आगे एमसीयू में प्ले करने वाले हैं, क्योंकि ये कैरेक्टर सीक्रेट वॉर स्टोरी लाइन का एक मेजर कैरेक्टर है। तो चलो अब आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी में कैप्टन ब्रिटेन को दिखाना चाहिए था या फिर उसको कैंसिल करने का डिसीजन एकदम सही था। अब ऐसे ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को मिनी वीडियोज़ के रूप में मैं आप लोगों के सामने लाता रहूँगा। नाउ आई विल मीट यू विद अ फ्रेश न्यू वीडियो, तब तक के लिए सो लॉन्ग।